जनपद के पूर्वा कोतवाली क्षेत्र में फाइलेरिया की दवा के रिएक्शन से युवक की दर्दनाक मौत से परिवार में कोहराम मचा। परिजनों का आरोप है कि फाइलेरिया की दवा खाने के बाद युवक की तबीयत बिगड़ी, जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूर्वा ले जाया गया, जहां पर चिकित्सक 20 मिनट लेट आए, तब तक मरीज दम तोड़ चुका था। आक्रोशित परिजनों ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे अभियान फाइलेरिया की दवाई को जबरन खिलाए जाने का आरोप लगाया। वहीं जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर यूके सिंह से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि मरीज पहले ही एक्सपायर हो चुका था। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा दवा के प्रभाव से खत्म हुआ या फिर कोई और बात दूसरी है। और परिजन मुआवजे की मांग को लेकर मोरावा मोहनलाल गंज रास्ता जाम कर दिया गया, जिससे आने जाने वालों को खास मशक्कत करना पड़ा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को प्रदर्शनकारियों ने रोका तो कोतवाली पुलिस के लाख समझाने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो छोड़ दी गई, लेकिन परिजन अपनी मांगों पर अड़े रहे। परिजनों की मांग थी जो फाइलेरिया की दवाई पाटी जा रही है, वही दवाई टीएम अथवा एसपी आकर खाए। जो दोषी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए, तभी रास्ता खुलेगा। जाम की सूचना पर सत्ता के गलियारे में ऐसे वक्त पर रोटी सेकने वाले नेताओं का भी आना लाजमी बनता है। समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व विधायक उदय राज यादव के समझाने पर जाम खुल सका। मौके पर एसपी व डीएम भी मौजूद थे। इसके पूर्व पीएसी के जवान और पब्लिक के बीच में तू-तू मैं-मैं बढ़ी, जिसके कारण पब्लिक के ऊपर लाठियां जमकर बरसाएं। दोनों तरफ पथराव से पुलिस के जवान भी घायल हुए। काफी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया गया। लाश को जबरिया लोडर पर रखकर वहां से हटाया गया। उन्नाव से संवाददाता विनोद सोनकर की रिपोर्ट। अंकित बजाज, कहाँ पर रहते हो? यही कटरा में रहते हैं, यहाँ के सभासद हैं। क्या है मामला? मामला ये है कि ये फाइलेरिया और मलेरिया की दवा जो सरकार द्वारा वितरण कराई जा रही है, इसमें काफ़ी लोग बीमार हो चुके हैं, जिसमें विजय बहादुर की मृत्यु हो गई आज सुबह। कल शाम को इन्होंने दवा खाई थी और अन्य लोग अभी भर्ती भी हैं, कुछ लोग बीमार भी हैं यहाँ पे। जब ये गंभीर हुए थे तो इनको लेके कहाँ गए थे? सरकारी अस्पताल गए थे सुबह, वही लगभग 4:30 बजे के आसपास। डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टरों ने चेकअप किया, तब तक वो खत्म हो गए वहीं पे। अभी ये जो रोड जाम है, इसको लेकर के आप लोगों की प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांग ये है कि सबसे पहले यहाँ डीएम सीएमओ आए और यही दवा वो भी खाएं, और उसके बाद इनका पूरा मुआवजा दिया जाए। इनके छोटे छोटे लड़के बच्चे हैं। मुआवजे में क्या मांग? मुआवजे में मांग है कि इनको कम से कम 10-15 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। दवा की जांच को लेकर क्या? दवा की पूरी जांच कराई जाए, कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए, कठोर से कठोर, और इसमें जो दोषी पाया जाए उसको सजा दी जाए। 3 बजे दवाई खाई नहीं हमें, 2 बजे लड़का हम कैसे सहारे रहेंगे, बताओ आप ही बताइए, हम कैसे सहारे रहेंगे, हम किसके सहारे रहेंगे, हमारे 3 बच्चे हैं, सहारे रहेंगे बताइए आप। ये रखो बिटिया, जमा करो, छोटे बच्चे हैं, एक क्या नाम? सभा शंकर, कटरा में। क्या है मामला? मामला घटना मतलब होगी, मतलब दवा दिया डॉक्टर साहब, बोले खा लो, तो खा लिया। खाने के बाद उसके बाद फिर जंग आई, फिर थम गए थोड़ा, फिर पलटी उल्टी किया, पलटी करने के बाद फिर सो गए। सुबह के बाद 3 बजे उठे, उसके बाद उलझन आई, तुरंत गिर पड़े, गिरने के बाद फिर लेट गए। लेट के बाद भाभी को बुलाए कि तुरंत सांसें चलती थी हल्की हल्की, हम तुरंत एक दोस्त थे उनका ऑटो का फ़ोन किया, तुरंत ऑटो लेके गए अस्पताल में। 20 मिनट बाद डॉक्टर आया, उसके बाद डॉक्टर साहब सचान नहीं थे, जो मेन सचान रहा थे तो सचान नहीं थे, दूसरे भेजे। उसके बाद दो बार हमारी छाती दाबा भाई के बारे, और बोले नहीं रह चुके, हमका का करी बताओ, कहीं इसको ले जाओ, हमका ले नहीं जाएंगे, कहीं इसको ले जाओ, नहीं पुलिस कार्रवाई, हमका पुलिस कार्रवाई हम करेंगे जरूर।